संगीत नाटक अकादमी के तत्वाधान में लोक संगम कार्यक्रम का आयोजन 22 से 24 फरवरी तक गोरखपुर के कचहरी क्लब के मैदान में किया जाएगा, जिसका उद्घाटन 22 फरवरी को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ल करेंगे। इस बात की जानकारी देते हुए संस्थान के स्थानीय समन्वयक हरिप्रसाद सिंह ने कहा कि इस कार्यक्रम में 16 प्रांतों से लगभग 350 कलाकार प्रतिभाग करेंगे, जिसमें लोक गीतों, लोक नृत्यों, लोक वादों का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हरिप्रसाद सिंह ने कहा, ये संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली, जो भारत सरकार की राष्ट्रीय अकादमी है, उसके द्वारा देश की जो पारंपरिक लोक कलाएं हैं उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए देश भर में श्रृंखलाबद्ध देशज महोत्सव के नाम से पारंपरिक लोक कलाओं पर आधारित कार्यक्रम आयोजित होता था, उसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम लोक संगम के नाम से गोरखपुर में आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में देश भर के 16 राज्यों के 20 पारंपरिक लोक कला दल आ रहे हैं, जिसमें उनके लोकगीत, उनके लोक नृत्य और उनके लोक वाद्यों का प्रदर्शन होगा। शुद्ध रूप से ये कार्यक्रम अपने देश की जो पारंपरिक लोक कलाएँ हैं उनसे समाज को और हमारी जो भावी पीढ़ी है उसको परिचित कराने के लिए ये हमारी एकेडमी द्वारा आयोजित हो रहा है। और कुल मिलाकर गोरखपुर में ये ऐसा आयोजन पहली बार हो रहा है। हमारे यहाँ इस 16 राज्यों के लगभग 350 लोक कलाकार जो देश के विभिन्न भागों से आ रहे हैं, उनकी प्रस्तुतियाँ कचहरी क्लब मैदान में हमारे होनी है। ये पूरा हमारा जो आयोजन है वो महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती को समर्पित है, और हमारी केंद्र सरकार और हमारी राज्य सरकार भी महात्मा गांधी जी को याद करते हुए जो कार्यक्रम कर रही है उसके भाग के रूप में हम इस आयोजन को भी देख सकते हैं। कुल मिलाकर गोरखपुर में पहली बार पारंपरिक लोक कलाओं पर आधारित ये राष्ट्रीय स्तर तक का लोक संगम हो रहा है। निश्चित रूप से गोरखपुर वासियों को आनंद आएगा और उनको कुछ न कुछ अपने देश की समृद्ध लोक कला परंपरा के बारे में जानने और सीखने को मिलेगा। ये आयोजन कचहरी क्लब मैदान में सायंकाल 6 बजे से आयोजित है। 22, 23, 24 फरवरी को यह शुद्ध रूप से सांस्कृतिक आयोजन हो रहा है, जो हम गोरखपुर वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात है। ये प्रवेश निःशुल्क है या शुल्क मिलेगा? यह कार्यक्रम जन सामान्य के लिए, कला प्रेमियों के लिए पूर्णतया निःशुल्क है। भारत सरकार और संगीत नाटक एकेडमी अपने देश की समृद्ध लोक कला परंपराओं से भावी पीढ़ी को और समाज को परिचित कराने के लिए इस तरह का कार्यक्रम करती रहती है, और उसी श्रृंखला में गोरखपुर का लोक संगम आयोजित है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई टिकट या प्रवेश शुल्क नहीं है।